99 साल की लीज पर ले पाए थे आप? अगर आप में इतनी कुव्वत थी तो पूरी आजादी लेते ना, उस टाइम क्यों आपने लीज पर ले ली? 99 साल की लीज पे? हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। भारत कम्प्लीटली आजाद नहीं है। एक सेकंड, ये बहुत बड़ी बात कर रही है। 99 साल की लीज पर एक्सप्लेन कर रही है। जी हाँ, आप इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए, उस टाइम पर जो ब्रिटिश सरकार में जो नेता थे, मैं बता रही हूँ, जब स्वतंत्रता की बात चली और स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, तो आदरणीय नेहरू जी और महात्मा गांधी जी जब आगे थे, तो सरकार वो देना नहीं चाह रहा था ब्रिटिश क्राउन, और उन्हीं की ही शपथ ली गई थी, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शन नहीं हुए थे। नेहरू गांधी ने किसकी शपथ ली थी? ब्रिटिश क्राउन की शपथ ली थी, ना कि भारत के संविधान की शपथ ली गई थी। ये मुख्य प्रधानमंत्री पहले बन गए थे, 1951 में चुनाव हुए, उसके बाद फिर पार्टी बनी, तब जाके अपना संविधान लागू हुआ था। और ये उस टाइम पे आपको भी पता होगा, आज प्रधानमंत्री जब शपथ लेता है तो वो भारत के संविधान की शपथ लेता है। लेकिन मैं बता रही हूँ, ये ब्रिटिश क्राउन ने भारत को 99 साल की लीज पर दिया हुआ है, ये कम्प्लीटली आजाद नहीं है भारत, और ये भी कांग्रेस वालों की ही देन है जो है। रुचि पाठक, भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रवक्ता, पर ये कह रही हैं कि हमें बरतानिया हुकूमत से, ब्रिटिश क्राउन से 15 अगस्त 1947 को जो आजादी मिली है वो 99 साल की लीज पर है। कहाँ लिखा है ये? मैं आपको प्रस्तुत, आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको साक्ष्य प्रस्तुत कर दूंगी। क्योंकि ये अगर इतनी बड़ी बात है, ये तो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र नहीं किया, ना भाजपा के, ना कांग्रेस के, ना दूसरे दलों के, किसी संविधान विशेषज्ञ ने इस बात का जिक्र नहीं किया, ब्रिटेन ने इसका जिक्र नहीं किया, भारत ने नहीं किया। पूरे एजुकेशन स्ट्रक्चर को ऐसे ही बर्बाद कराया जा रहा, पूरे एजुकेशन स्ट्रक्चर को। इनके प्रधानमंत्री जी दोबारा भारत देश को गुलामी की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं 75 साल का। अभी तो ये कह रही है 99 साल के लीज पर आजादी, साहब क्या कर रहे थे अगर आजादी नहीं मिली? दीनदयाल उपाध्याय का नाम लेते काहे के लिए इतने बड़े-बड़े उनके बैनर पोस्टर लगा रहे हैं? 7 साल का अपना साबित हो गया आज। जी संदीप सराव की जी। सर खैर, हम तो सेटिस्फाई नहीं है बहन जी की बातों से, हम भी पूरी जिंदगी में पहली बार सुन रहे हैं ये बात कि 99 साल की लीज पे हम लोगों को आजादी मिली।